हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको ड्राइंग में एक्टिविटी कराऊंगी। ये देखिए, मैंने इसमें एक ड्राइंग शीट ली है, उस पर ये बोर्ड बनाई हुई है। ठीक है, आप सबसे पहले अपने घर में मम्मी से या भाई बहनों से ये ड्रॉ करवाएंगे। ठीक है, फिर इनमें ये नंबर डालेंगे। ये देखिए, ये ऊपर जो बना हुआ है इसमें 1 नंबर डला हुआ है, बोर्ड में 2 नंबर डला हुआ है, और ये लहरें बनी हुई है इसमें 3 नंबर डला हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ साइड से नंबर्स पे के अकॉर्डिंग कलर का नाम लिखा हुआ है। पहले नंबर पे लिखा हुआ है ऑरेंज, ORANGE। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है BROWN, ब्राउन। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है ब्लू, BLUE, ब्लू। ब्लू मीन्स क्या होता है? नीला। अब आपको इन नंबर्स के अकॉर्डिंग ही कलर भरने हैं। जिस नंबर पे जो कलर का नाम लिखा हुआ है वही कलर वहां पर फिल करना है। ठीक है, पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है? ऑरेंज। तो ये जो यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ हमें ऑरेंज कलर फिल करना है। ठीक है, ये देखिए, और कलर आप बहुत ही सफाई से करेंगे, ये बाहर नहीं निकलने चाहिए। और आप वैक्स कलर का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, वैक्स कलर या पेंसिल कलर का। ओके बच्चों, ये ड्रॉ आप लोग अपने घर में किसी भी से भी करा लेंगे, लेकिन कलर आप अपने आप ही करेंगे। ओके बच्चों, और उसके साथ साथ ये मैंने जो स्पेलिंग लिखी हुई है कलर्स की, वो भी आपको लर्न करनी है। ये देखिए, ये हो गया इसमें। अब यहाँ भी ऑरेंज कलर करेंगे। ये देखिए, इसमें भी हो गया। ये आप दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है ब्राउन, BROWN, ब्राउन। अब ये यहाँ पे 2 नंबर डाला हुआ है ना इसमें, तो यहाँ आपको ये ब्राउन कलर करना है। ये आप ड्राइंग शीट पर करेंगे, जिसके पास ड्राइंग की बुक है, जो ड्राइंग वाली कॉपी आती है ना, उसमें आप लोग कर सकते हैं। और ये सारा वर्क आपको स्कूल आने पर आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इस वर्क सबको करना है। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब है 3 नंबर। 3 नंबर पर क्या लिखा हुआ है? ब्लू, BLUE, ब्लू। ब्लू मीन्स होता है नीला। ये यहाँ पर अब हम ब्लू कलर करेंगे। इस तरह से जहाँ भी ये 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ आपको ब्लू कलर ही फिल करना है। हो गया ये कंप्लीट। इसी तरह से आप लोग भी अपनी ड्राइंग शीट पर इसे बनाएंगे और इसमें कलर फिट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, गुड बाय, थैंक यू।